तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आइयो अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल की वीडियो में आप सभी ने देखा था दोस्तों ब्रह्मपुरी से लेकर और बेगमपुर तक की। आज आप सभी को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों बेगमपुर से लेकर और मेरठ नॉर्थ RRTS का स्टेशन दिखाएंगे चल के। दोस्तों बने रहो वीडियो के एंड तक, दोस्तों बहुत कुछ इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। और आप सभी को बताऊं दोस्तों, अभी तक जितने भी आप लोगों ने अपडेट देखे हैं केपी संत के चैनल पर या दूसरे के चैनल पर, दोस्तों इतने सारे लॉन्चर आप सभी को कहीं देखने के लिए नहीं मिलेंगे और सब कुछ आप लोगों को डिटेल के साथ बताएंगे। तो आप बने रहो वीडियो के साथ में दोस्तों। यहाँ तक ये एलिवेटेड हो जाती है दोस्तों और एलिवेटेड ही रहेगी एंड तक दोस्तों। तो डिपो तो इस बार नहीं दिखाएंगे आप लोगों को, डिपो फिर कभी शूट करके लाएंगे जब आपको दिखाएंगे दोस्तों। और आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो कर लो, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर। दोस्तों आप सभी को बता दूं, देखो ये बायोडेक्ट तो कनेक्ट कर दिया जा चुका है दोस्तों लॉन्चर द्वारा। पहले यहाँ पर लॉन्चर लगे हुए थे लेकिन अब यहाँ से सारा बायोडेक्ट कम्प्लीट हो चुका है। आगे चलते हैं और आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों दौरली RRTS के स्टेशन, जिस पे कि मेरठ मेट्रो रुका करेगी दोस्तों। तो चलते हैं और भाई और दिखाते हैं चल के आप सभी को दोस्तों। और आप सभी को बता दूं ये पहला स्टेशन आ चुका है बेगमपुर क्रॉस करने के बाद में दोस्तों। MES कॉलोनी RRTS का स्टेशन है दोस्तों। स्टेशन पे देख लो अभी क्या काम किया जा रहा है। देखो ये साइडों से गाटर लॉन्चिंग कर दी है, उसके ऊपर फ्लोर वर्क किया जा रहा है दोस्तों। और दोनों साइडों में एंट्री एग्जिट पॉइंट भी बनाए जा रहे हैं दोस्तों। एक साइड का तो फाउंडेशन बन के कम्प्लीट हो चुका है, दूसरी साइड का दोस्तों फाउंडेशन बनाया जा रहा है। और ऊपर की साइड में देख सकते हो कौन कुछ लेवल बन चुका है और प्लेटफॉर्म लेवल बनाया जा रहा है अभी इस टाइम पर दोस्तों MES कॉलोनी का। तो देख सकते हो ये फाउंडेशन बन गया है, दूसरी साइड में बनाया जा रहा अभी फाउंडेशन एंट्री और एग्जिट पॉइंट का दोस्तों। और आप सभी को बता दूं ये 82 किलोमीटर का रूट है दोस्तों और ये दिल्ली के सरायकाले खान से स्टार्ट होती है और दोस्तों मेरठ के मोदीपुरम में जाकर ये एंड हो जाता है दोस्तों। और आप सभी को बता दूं कि ये 12 किलोमीटर का जो रूट है दोस्तों, 82 किलोमीटर में है 12 किलोमीटर तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि अंडरग्राउंड है, ज़मीन के अंदर चलेगी दोस्तों। 6 किलोमीटर का रूट तो दोस्तों मेरठ के अंदर पड़ता है और 6 किलोमीटर का रूट दोस्तों दिल्ली के आनंद विहार में पड़ता है दोस्तों। तो ये स्टेशन अंडरग्राउंड है। बाकी चलते हैं आप सभी को दिखाते चल के बायोडक्ट, देखो सारा कनेक्ट हो चुका है, फिनिशिंग का काम किया जा रहा है नीचे। अभी इलेक्ट्रिक सिटी के खंभे लगेंगे दोस्तों, उसके ऊपर OHE वायर लगाई जाएगी और उसके बाद में दोस्तों इस पर ट्रैक डाला जाएगा और OHE वायर का काम किया जाएगा। तो तस्वीर आप लोग देख सकते हो और नीचे का ये बीच का मीडियन भी बनाते चले जा रहे हैं, डिवाइडर बना रहे हैं। तो यही काम चल रहा है, चलते आगे और दिखाते चल के आप सभी को दोस्तों दौरली RRTS का स्टेशन।
देखो एक लॉन्चर ये लगा हुआ है जो बायोडक्ट को कनेक्ट कर रहा है दोस्तों एक पिलर से दूसरे पिलर को, और दूसरा लॉन्चर उधर भी देखने के लिए मिलेगा जो उधर से आ रहा है दोस्तों। और आप सभी को बता दिए लॉन्चर के ही पार्ट पड़े हुए हैं नीचे जो कि सेगमेंट को उठाते हैं और फिर एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच में दोस्तों चिपकाया जाता है इस लॉन्चर के थ्रू। दोस्तों चलते हैं आगे दिखाते चल के, देखो दो लॉन्चर हो गए और आप सभी को इतने सारे लॉन्चर देखने के लिए मिलेंगे इस वीडियो के अंदर दोस्तों। तभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। इंफ्रास्ट्रक्चर में इसी तरीके से हमारे इंडिया को न्यू इंडिया बनाया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से दोस्तों। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखो, कनेक्ट करो केपी संत के चैनल को दोस्तों, ताकि जुड़े रहो आप सभी और आप लोगों को ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता रहे दोस्तों हमारे जो भारत में बनाया जा रहा है और चल रहा है दोस्तों, और इकोनॉमी के लिए दोस्तों सबसे मजबूत दोस्तों रोड और ये कनेक्टिविटी होती है जो इंफ्रास्ट्रक्चर से की जाती है। तो चलते हैं और दिखाते चल के, देखो दौरली RRTS के स्टेशन आ चुका है, और उससे पहले दोस्तों देखो दौरली और MES कॉलोनी के बीच में देखो दो लॉन्चर थे जो कि थोड़ा सा ही पिलर बचे हुए हैं, 4-5 पिलर बचे हुए हैं कनेक्ट करने के लिए, वो भी जल्दी हो जाएंगे। ये आ चुका है दौरली RRTS के स्टेशन जिस पे कि मेरठ मेट्रो रुकेगी दोस्तों, RRTS नहीं रुकेगी। इस पे भी देखो गाटर लॉन्चिंग कर दी दोनों साइड, और बीचों में बीच में देखो एक लॉन्चर लगा हुआ है जो बीच के बायोडक्ट को कनेक्ट करेगा देखो स्टेशन से पहले, और गाटर लॉन्चिंग हो चुकी है साइडों से। और गाटर लॉन्चिंग इसलिए की जा रही है दोस्तों कि यहाँ पर पब्लिक चढ़ेगी और पब्लिक यहाँ से उतरेगी और चढ़ेगी, तो इसी वजह से यहाँ पर ये फुटओवर बनाया जा रहा है। तो देख सकते हो यहाँ पर भी ये एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाया जा रहा है, उसी की सेटिंग लगी हुई है दोस्तों। देख सकते हो दोनों साइडों में ही एंट्री एग्जिट पॉइंट को भी बनाया जा रहा है। और आप सभी को बता दूँ जो आगे के गाटर हैं, देखो ये बीम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, अब इन पर गाटर लॉन्चिंग कर दी जाएगी आई गटर द्वारा। देखो ये एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच में कनेक्ट किए जा रहे हैं ना दोस्तों इसी तरीके से, और बीच में ये बायोडक्ट रहेगा, तो यही काम चल रहा है दोस्तों। देखो अब चौथा लॉन्चर आप सभी को ये देखने के लिए मिलेगा दौरली निकलने के बाद में, देखो चौथा लॉन्चर ये है, एक दौरली के स्टेशन के पास में ही था, अभी देखा था आपने, चार लॉन्चर हो चुके हैं। और आप लोग अभी सही वीडियो को सब्सक्राइब कर लो अगर आप लोगों ने नहीं किया अभी तक, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। चलते और आगे दिखाते चल के आप सभी को, दोस्तों ये मेरठ का बाईपास आ जाता है जो कि मुजफ्फरनगर रोड की और हरिद्वार के लिए निकल जाता है दोस्तों। और मेरे दूसरे साइड में देखो ये मेट्रो का बायोडक्ट है दोस्तों जो कि दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है दोस्तों। देख सकते हो अब हम हो जाते हैं रोड के दूसरी साइड में, और आप सभी को स्टेशन देखने के लिए मिलेगा मेरठ नॉर्थ RRTS का स्टेशन दोस्तों, और उसके बाद में लॉन्चर देखने, उसके बाद में स्टेशन लास्ट स्टेशन है दोस्तों, वो है कहाँ पे, मोदीपुरम RRTS का स्टेशन, सबसे बड़ा स्टेशन है दोस्तों। देख सकते हो कौन कौन लेवल बन चुका है, प्लेटफॉर्म लेवल बनाया जा रहा है, देखो गाटर लॉन्चिंग कर दी गई है और उस पर अब क्या फ्लोर वर्क करने की तैयारी की जा रही है दोस्तों। देख सकते हो आप लोग एक तो लॉन्चर वो था, देखो छठा लॉन्चर है ये छठा लॉन्चर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और चलते और आप लोगों को दिखाते चल के अभी किस तरीके से यहाँ पर भाई साहब लॉन्चर ही लॉन्चर देखने के लिए मिलेंगे, और बहुत तेजी के साथ में बायोडक्ट को कनेक्ट भी किया जा रहा है। सन 2024 के लास्ट तक ये आम जनता के लिए 82 किलोमीटर का रूट दोस्तों ओपन कर दिया जाएगा। तो आप लोग बने रहो ऐसे ही वीडियोस केपी संत के चैनल पर देखने के लिए दोस्तों। आप लोगों से
ज़्यादा से ज़्यादा गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, आपके एक सब्सक्राइब करने से भाई साहब बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का मन करता है, तो इसी वजह से आप लोग सब्सक्राइब कर लो चैनल को। दोस्तों देख सकते हो ये छठा सातवां लॉन्चर है दोस्तों, आठवां लॉन्चर देखो वो लग रहा है किस तरीके से, यहाँ पर लॉन्चर ही की लॉन्चर आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे पहली बार। और आप लोगों को बताऊंगा कि बायोडक्ट को कैसे कनेक्ट करते हैं और ये लॉन्चर कैसे उठाता है, वर्क करता, वो आप लोगों को अभी देखने के लिए मिलेगा आगे। तो आप लोग ऐसे ही वीडियो इंजॉय करो ज़्यादा से ज़्यादा। और आप लोगों को बता दूँ कि इस हाईवे के बीच से क्रॉस करेगा ये RRTS की RRTS कॉरिडोर दोस्तों, आगे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जो कि बहुत ही लास्ट में जाके पिलर बनाए गए हैं जिन पर पियर कैप का काम किया जा रहा है। दोस्तों देखो एक तो साइड वाला पिलर ये रहा जिस पर पियर कैप का काम किया जा रहा है, एक हाईवे के बीच में आ चुका है दोस्तों, दो पिलर हैं हाईवे के बीच में देख सकते हो, एक पे तो अभी पियर कैप का काम किया जा रहा, दूसरा अभी किया जाएगा और फिर ये आ जाएगी लेफ्ट हैंड पे दोस्तों। तो इधर भी पियर पाइलिंग का काम चल रहा है, देखो पियर पाइलिंग हो चुका है, फाउंडेशन बन गया है, अब पिलर का फाउंडेशन इस पे कंक्रीट भरा जाएगा दोस्तों। तो यही काम चल रहा, देखो एक लॉन्चर ने इतना बायोडक्ट क्लियर कर दिया है, आगे आप लोगों को दिखाते हैं। देखो आप लोग किस तरीके से यहाँ पर ट्रिकोम है, देखो ट्रक द्वारा ये सेगमेंट लाए जाते हैं और लाने के बाद में दोस्तों फिर ये लॉन्चर इन्हें उठाता है और एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच में सारे सेगमेंट को उठाने के बाद में फिर इसको चिपका दिया जाता है। तो ये आ जाता है दोस्तों, कौन कौन लेवल बन चुका है, मोदीपुरम RRTS का स्टेशन जो कि मेरठ में आता है दोस्तों, यहाँ से मुजफ्फरनगर काफ़ी पास में ही पड़ता है। तो कौन कौन लेवल बन गया है, सेकंड प्लेटफॉर्म लेवल आप बनाया जा रहा है, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर सेटिंग लगा कर सरियाओं का जाल बनाया जा रहा है, जो कि बीम डाले जा रहे हैं और बीम डालने के बाद में फिर दीवारें खड़ी की जाएंगी और फिर इस पर डेंट पेंट का काम किया जाएगा, मार्बल लगाया जाएगा दोस्तों। तो अभी तक काफ़ी सारा काम है करने के लिए दोस्तों, तो आप लोग देखो और इंजॉय करो ऐसे ही वीडियोस केपी संत के चैनल पर दोस्तों, केपी संत लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता। तो देख सकते हो ये सारे पिलरों का अब क्या बीम बनाया जा रहा है, जिस तरीके से ये बीम बनाया है, एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच में ये बीम डाला गया, उसके बाद में ये आई गटर द्वारा एक पिलर से दूसरे पिलर को इस साइड में लॉन्च किया जा रहा है दोस्तों। और जैसे ही हम आगे जाएंगे तो लेफ्ट हैंड पर जाकर दोस्तों इसका डिपो भी है, उसमें मेरठ मेट्रो भी खड़ा हुआ करेगी और रैपिड रेल भी खड़ा हुआ करेगी दोस्तों। तो आप लोग बताओ कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ केपी संत आप सभी लोगों के बीच में लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों। देख सकते हो सारे पिलर बन के कम्प्लीट हो चुके हैं, इन पर पियर कैप का अभी काम किया जाएगा और जहाँ जहाँ पियर कैप का काम हो गया वहाँ दोस्तों लॉन्चर लगा दिया जा चुका है, बायोडक्ट को कनेक्ट किया जा रहा है दोस्तों। देख सकते हो आप लोग किस तरीके से यहाँ पर काम को किया जा रहा है, किस तरीके से तेजी के साथ में काम को यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है दोस्तों। देखो किस तरीके से यहाँ पर ये लॉन्चर सेगमेंट को उठाता है, क्योंकि ट्रक इसके नीचे ही लगा दिया जाता है और फिर इनका बहुत बड़ा सरिया होता है इस लॉन्चर का, वो नीचे लाया जाता है और फिर उसको फंसा के दोस्तों इसको सेगमेंट को उठा लिया जाता है। देखो एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच में सारे सेगमेंट उठा लिए जा चुके हैं, अब इनको लेबल से चिपकाया जाएगा दोस्तों। और चिपकाया किस तरीके से जाएगा आप लोग देखो, क्योंकि लॉन्चर कैसे उठाया जाता है और किस तरीके से उठाया जाता है, जब यार्ड से लेकर आया जाता है इस सेगमेंट को दोस्तों, देखो आप लोग किस तरीके का नज़ारा है यहाँ का, ऐसा नज़ारा आप लोगों ने पहले कभी नहीं देखा होगा, मेरी नज़र में भी ये अपडेट सबसे ज़्यादा सुपर हिट होने वाला है दोस्तों। तो आप लोग कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा हमें बताना कि ये वीडियो आप सभी को दोस्तों कैसा लगा, अच्छा लगा हो फिर भी कमेंट करें, ख़राब लगा हो फिर भी कमेंट करें दोस्तों। देखो आप लोग लॉन्चर के नज़ारे देखो, किस तरीके से सेगमेंट को उठाता है, ये आप लोग अपनी आंखों से देख सकते हो, मुझे बताने की और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और अभी जल्दी में ही ये लॉन्चर को लगाया गया है, देख सकते हो ये यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ना, जो सेटिंग लगी हुई है
इस लॉन्चर को यहाँ लगाया गया है, शायद इस पिलर को कनेक्ट करने के बाद में शायद से ये रख दिया जाए, उतार लिया जाए। देखो ये ट्रक में सेगमेंट रखे हुए हैं ना, देखो ये सारे सेगमेंट रखे हुए हैं, ये लॉन्चर उठाएगा, इसको चिपकाने के बाद में फिर ये लॉन्चर आगे बढ़ाया जाएगा, फिर इसके बाद में इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा। देखो ये लॉन्चर रखा हुआ है ना, देखो अब ये दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाएगा। वैसे तो बन के कम्प्लीट ही हो चुका है, मुझे इतना पता है दोस्तों। देखो आप लोग किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है दिन रात। दोस्तों दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर को बनाया जा रहा है बहुत तेज़ी के साथ में दोस्तों। इसका फेज़ 1 और फेज़ 2 स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, ओपन हो चुका है। उसमें आप लोग बैठ सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि पहली बार इंडिया में बनाई गई ये ट्रेन और इंडिया में चलाई जा रही है, कितनी ज़्यादा रफ्तार है, क्या फैसिलिटी है, वो आप लोग जाके देखो मोदी नगर नॉर्थ में। दोस्तों मोदी नगर नॉर्थ से लेकर और साहिबाबाद तक ये चलती है, आप लोग जाओ और आप लोग एक बार एक्सपीरियंस ज़रूर करके आओ दोस्तों। और मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप सभी को जो घूम कर आए हो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा दोस्तों, क्योंकि मैं तभी आप लोगों को अपने इंडिया में जो न्यू इंडिया बनाया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से, वो मैं आप लोगों को ग्राउंड लेवल पर जाकर दिखाता रहता हूं और बताता रहता हूं दोस्तों। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा KP संत को सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए KP संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो वीडियोस को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस मैं आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ दोस्तों। देखो आप लोग नज़ारे, क्या ही खूबसूरत नज़ारे हैं दोस्तों। सबसे ज़्यादा लॉन्चर आप लोगों को इस एरिया में देखने के लिए मिलेंगे और बहुत ही जल्द इस बायोडेक्ट को कंप्लीट कर लिया जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं और बढ़ते हैं आगे, दिखाते हैं चल के आप सभी को।
आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस। मिलते हैं किसी नई वीडियो में आप सभी से, तो आप सभी इंजॉय करो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दोस्तों। और यहाँ पर देखो आप लोगों को बता दो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे भी यहीं पर आके ख़त्म हो जाता है और RRTS भी देखो यहीं से गुजारी जा रही है दोस्तों। तो दोनों का ही नज़ारा आप लोगों को बहुत ही सुंदर और अद्भुत देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।